अगर मैं ये बोलूं कि आप बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल। हाउ, कैसे? तो इसकी पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो के एंड तक। तो वीडियो के दोस्तों एंड तक बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती है। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिलर फॉर्म पे। दोस्तों फिलर फॉर्म पे UGC नेट एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट हो गई है, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना काफी आसान है, आपको बस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पर आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों देखो, सबका सपना होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर आपका नेट एग्जाम में अगर आपने अप्लाई कर दिया है या तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो मे बी आपका 99% तो गोल ही होगा कि मैं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। तो क्या ये जरूरी है कि हमारा नेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद ही हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके कॉलेज में अगर आप जाके देखोगे तो आपको ऐसे काफी लोग मिलेंगे जिनका नेट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ है और आज आपके कॉलेज में HOD भी और सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर भी। बट हाउ दिस पॉसिबल? दोस्तों ये इस पॉसिबल के दो वे। पहला ये है कि जैसे ही आपका मास्टर कंप्लीट होता है, आपको जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। सबसे पहले बात कि गवर्नमेंट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बट प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो नियर कॉलेज होते हैं वहां पर आप अप्लाई करो मास्टर के साथ। आई नो सैलरी कम मिलेगी, बट अभी सैलरी पे ध्यान नहीं देना, आपको पहले एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि अनुभव काफी जरूरी है। जब आपको 2 महीने का 2 साल का अनुभव हो जाएगा, तो आप एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। वहां पर फिर आपके अनुभव पे आप लोग इंक्रीमेंट कर सकते हो, वहां पर आपको नेट की जरूरत नहीं होगी। हाँ, आप लोग नेट कर सकते हो, करना चाहो, बट आपको एक्सपीरियंस पे अप्रोच मिलती रहेगी। अब बात करते गवर्नमेंट की, तो दोस्तों गवर्नमेंट की काफी वैकेंसी आती है हर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जहां पर ये लिखा हुआ था कि आप मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हो, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ये जरूरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दोस्तों नेट और PhD कंपलसरी है, तो आप ऐसी हर जगह अप्लाई कर सकते हो जहां पर मास्टर के साथ आपको कंपलसरी किया जाए। दोस्तों नेट एग्जाम के बाद ये जरूर होता है कि अगर आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। तो भैया देरी ना करो, अगर आपका मास्टर हो गया तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, अप्लाई कर दो जॉब के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, हमें ऐसी वैकेंसी कहां मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। ये हमारी वेबसाइट है जॉब नेशन, यहां पर आपको जाना है, यहां पर आपको ढेर सारी नौकरियों की वैकेंसियों की अपडेट आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको PGT TGT असिस्टेंट प्रोफेसर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने मेंशन कर दिया, वहां से भी आप लोग जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।